ऐसे तो चांद दस दिन पहले ही नजर आ गया था लेकिन भाई हमने तो चांद तो उसी को कहना होता है जो ईद से एक रात पहले होती है और फिर उसमें कोई शॉपिंग वगैरह ना हो तो फिर वो तो नामकम्मल सी लगती है हाल तो जुड़ी जोरी चीजें मैं सारी ले चुकी थी लेकिन मुझे था कि चलो आप थोड़ी बहुत शॉपिंग जो रह गई है वो भी कर ली जाए इसके लिए हम गए आंसर मार्केट और यहाँ पे तो भाई एक ही शॉप है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मतलब यहाँ पे मेन शॉप ही यही वाली है जिस यहाँ पे हर चीज मिल जाती है ज्वेलरी और बैग्स वगैरह हर चीज यहाँ से मिल जाती है और इधर मैं देख रही थी अपने लिए कोई ज्वेलरी वगैरह और साथ में मेकअप प्रोडक्ट्स भी आई थिंक मेकअप को लेना ज़्यादा आसान है वरना ज्वेलरी का तो मैं घंटा लगा देती हूँ मुझे पसंद ही नहीं आ रही होती और मैं अपने हस्बैंड को भी बता के पूछ रही होती है की बताएं ये कैसी है वो कहेंगे हाँ ठीक है तुम्हें तो अच्छी लग रही है तो ले लो और फिर ऐसी डिसीजन लेना कि क्या हमने कौन सी वाली लेनी है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाए से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन खैर मैंने तो थोड़ी सी सिंपल सिंपल चीजें ही लेनी थी क्यूँकी मेरा ये होता है कि अगर आप उस टाइम सिर्फ ईद के लिए ही ना लो बाद में भी इस्तेमाल कर सकू ऐसी चीजें मैं लेती हूँ जो मैं बाद में भी इस्तेमाल कर सकू और ये कुछ चीजें थी जो मैंने वहां से खरीदी थी और फिर ये छोटी हो या बड़ी हो मेहंदी लगाना तो मेरा मस्त है ना चाहे मैं दूसरी केमिकल वाली अभी नहीं लगा सकती तो बस दूसरी मेहंदी घोल के बस ये मैंने सिंपल सा डिजाइन बना लिया और ये था मेरा जी आज का फर्स्ट डे का ड्रेस ये मैंने बेसिकली नमाज पढ़ने के लिए रेडी किया था ये नमाज के लिए ड्रेस जो है ना ये बेसिकली इंडोनेशियन ड्रेस टाइप है और जब भी मैं इसे पहनती हूँ ना तो मुझे हमेशा यही की कमेंट मिलता है कि यार तुम इंडोनेशियन लग रही हो इवन सऊदिया में भी जब मैं हज पर थी तो तब तो तो वहाँ पर जब मैंने ये ड्रेस पहना था ना तो मुझे सब लोग यही कहते थे यार तुम तो इंडोनेशियन हो मेरे साथ अक्सर शॉप वाले ना इंडोनेशिया बोला शुरू कर देते थे और मुझे बताना पड़ता था नहीं भाई मैं मुझे इंडोनेशियन नहीं आती मैं पाकिस्तानी हूँ तो खैर आज तैयार श्यार होने के बाद जी आज तो नमाज का टाइम बहुत जल्दी था और तकरीबन सिक्स थर्टी फाइव पर था और जल्दी जल्दी हम तैयार हो गए बस हम निकले हमने कहा जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचे और फिर हमने वहाँ पे नमाज पढ़ी ये थी नमाज मेरी पहली नमाज थी कोरिया में और मैं भी इसके लिए एक्साइटेड थी लास्ट टाइम तो मुझे पता ही नहीं था लास्ट टू टाइम्स मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर लेडीज का भी कोई इंतजाम होता है तो इस तो मैं सोच पक्का डिसाइड किया हुआ था कि भाई मैंने पढ़नी है यहाँ पर चूंकि शायद बारिश का मौसम था तो बाहर पार्क में तो नहीं हो सकी तो अंदर रूम में ही उन्होंने पढ़ ली थी और भाई सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओके बाय